हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में यह आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है
या बहुत ढिलाई ले आए हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं, यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे
तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। दो गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं, मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप देख रहे थे, सुन रहे थे और उनकी बातों को आपने सुना। और उन्होंने सीधे सीधे जिस तरीके से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, उन्होंने ये सभी लोगों को चेताया, ये बताया कि अभी आप ये ना समझें कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो सभी चीजें ठीक हैं, कोरोना खत्म हो चुका है ये बिल्कुल भी ना समझें। और इसको लेकर के आपको अभी भी एहतियात के साथ रहना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई और बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए ये कहा कि हम जिंदगी को पटरी पर वापस लौटते देखना चाहते हैं और वो हर एक देशवासी से प्रेम करते हैं और इसलिए वो उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। यही वो चाहते हैं कि देश का हर एक नागरिक स्वस्थ बना रहे, इसी के लिए वो लगातार सभी लोगों को ये संदेश देते रहे हैं इससे पहले भी कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई भी नहीं। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाने में सफल रहे हैं और बड़े बड़े देशों से हमारे यहाँ कम मौतें हुई हैं, यानी कि हमारे देश पर प्रभाव आप उतना ज्यादा नजर नहीं आया जितना बाकी देशों पर नजर आया है। जो बड़े देशों पर आप जिस तरीके से स्थिति वहां पर बनी रही ऐसा हमारे देश में नजर नहीं आया। वहीं लापरवाही बरतने वाले खुद को संकट में डाल रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अपने साथ परिवार को भी आप खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप ये मान रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो चुका है तो ये आपकी गलती है, ये आपकी भूल है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आपको सावधानी बरतनी होगी और मानवता को बचाने के लिए सभी को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में भी कई वैक्सीन जो वैक्सीन बनाने को लेकर के शोध हैं वो चल रहे हैं। बीमारी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। उन्होंने उदाहरण के जरिए ये भी बताया, उन्होंने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई भी नहीं और दो गज की दूरी, हाथ धोना बेहद जरूरी, ये सभी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए कही हैं। मास्क लगाने का भी ध्यान रखने को उन्होंने साझा किया। उन्होंने कहा कि मीडिया से भी उन्होंने अपील की कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि लोग जो हैं वो जागरूक हो सकें और ये लोग भी समझ सकें कि कैसे ये खतरा अभी तक बना हुआ है, कैसे इस खतरे से बचा जा सकता है और एहतियात अभी भी बरतना कितना ज्यादा जरूरी है, जो कि लगातार। और हमने हरियाणा न्यूज ने आप इस संबोधन से पहले हालांकि इस बात को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उसका जिक्र भी किया था कि आज प्रधानमंत्री, क्योंकि कोरोना संक्रमण का ये दौर चल रहा है तो ऐसे में
ज्यादा संभावनाएं हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर के ही वो कुछ अपनी बातों में जानकारी देंगे और यहां उन्होंने इन्हीं बातों को साझा किया है।